ये सामने तुम रोड देख सकते हो जी, ये है जी पौटा साहब तो आता गा, तो है गुरद्वारा तीरगढ़ी साहब। इस जगह तो गुरु साहब जी ने शुरुआत की पंघाणी तीरथगढ़ी साहब पातशाही दसवीं। तो गुरद्वारा साहब तुम देख सकते हो पिछे टाउन जगह के उपर बनया होया। हाँ जी, मेन रोड तो तकरीबन 150-200 मीटर दूर है जी ये गुरद्वारा साहब। हाइट के उपर बनाया, चारे पास से डूंगा एरिया। वाहिगुरु जी सतसंगत जी, हुण तां असीं तुहानूं जिहड़े गुरद्वारा साहब के दर्शन करवाउण जा रहे हैं। गुरद्वारा साहब श्री तीरगढ़ी साहब, ये गुरद्वारा साहब का यह इतिहास है कि जिदा कि पंघाणी का जो तुहानूं दिखाया सी गुरद्वारा साहब, तो उत्थों इस जगह के उपर गुरु साहब जी ने जंग की शुरुआत की सी जी। तो पहला तीर छड़े गए सीगे, तीर गुरु साहब जी ने इत्थों छड़े सीगे। तो जो बाबा जी ने पंघाणी के जो गुरद्वारा साहब के इतिहास सुनाया सीगा, तो इस गुरद्वारा साहब ना तीरगढ़ी पिया होया गा, तो तुहानूं दरबार साहब के करवाने दर्शन। तो चलो चलते हैं आप दरबार साहब के। गुरद्वारा तीरगढ़ी साहब पौटा साहब तहसील सिरमौर जिले के पंघाणी नेड़े पिंड के कोल बनया होया गुरद्वारा साहब है जी। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहाड़ी राजां दे विरुद्ध जो पंघाणी का युद्ध लड़िया सीगा जी, उस दी कमांड युद्ध दी जो कीती सीगी इसे जगह तो कीती सीगी, इसे जगह तो गुरु साहब ने तीर छड़े सी। इस करके इस गुरद्वारा साहब का नाम तीरगढ़ी साहब पिया गा। तो तुसी दर्शन कर रहे होंगे, ये पुराने शास्त्र ने सामने तुसी तीर देख रहे हो, ये पुराने समय का तीर है जी, पुरातन तीर है। नाल उहदे अज दे समय दे तीर रखे हुए ने, शास्त्र रखे हुए ने। यह स्थान यमुना नदी के सज्जे कंढे ते स्थित एक छोटा जिहा पिंड जिहड़ा तुहानूं दस्सिया पंघाणी दे उत्थे बनिया होएगा। 1688 विच पहाड़ी राजां विरुद्ध पहली लड़ाई लड़ी सीगी जी गुरु साहब ने, पहला धर्म युद्ध लड़िया सीगा। 1617-18 विसाख मतलब कि अप्रैल के अंत तक इत्थे मेला लगाया जाता जी, याद दे विच तुहानूं उहनां दे दर्शन कराउणे आ। तुहानूं दिखाया जी शीशे दे विच रखे हुए ने अलग अलग तीर कमान भी है, किरपाना है, बंदूक है। लेकिन हाँ, गुरु साहब जी तो जो पुरातन गुरु साहब जी के समय से जो है ये सामने तुसीं देख सकते हो, पुराने जिन्हां नूं जंग लगे हुए एक ते दो तुसीं देख सकते हो शीशे दे विच दिखाई दे रहे हैं, दोनों गुरु साहब जी दे समय दे तीर है। इस गुरद्वारा साहब का नाम है जी तीरगढ़ी साहब। तो समां 6 का हो चुका है, तो बारों बारों तुहानूं दर्शन करा देने के गुरु साहब जी ने जो जंग लड़ी सी इसी जगह तो जंग लड़ी सी जी। ये वह इतिहासक स्थान है जी जिथों दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जंग लड़ी सी जी। पंघाणी अपना बेस कैंप बनाया सी जी, जिथे कि तुहानूं पहले भी दस्सिया सीगा। तो गुरद्वारा साहब तीरगढ़ी साहब पातशाही दसवीं पंघाणी, ये हिमाचल प्रदेश दे विच पैंदा जी। तो इत्थे भी गुरु का लंगर चलता रहिंदा हैगा, सरावां बनिया हुई हैं। जे किसी वीर ने कोई रात नूं दिन कट रात कटनी हैगी तो रहने वास्ते भी इस जगह के उपर सरावां बनिया हुई हैं। तो बिल्कुल जस्ट सामने दरबार साहब के लंगर हाल बनया हुआ जिथे कि तुसी लंगर छक सकते हो। तो बहुत दूरों नेड़े संगत इत्थे चल के आउंदियां रहिंदियां ने। तो तुसी दर्शन कर रहे हो गुरद्वारा तीरगढ़ी साहब का, गुरु साहब जी ने इस जगह तो शुरुआत की सी। यही गुरद्वारा साहब हाइट दे विच बनया हुआ। गुरुद्वारा की सारी इमारत बहुत सोहनी बनाई गई है, सामने तुम सरावान देख सकते हो यात्रियों ने रुकन के वास्ते, जे किसी ने रुकना हो रात वास्ते। तुम मेरे पिछे दर्शन करवाया तो गुरद्वारा तीरगढ़ी साहब दे, ते वीडियो किवें लगी पक्का कमेंटा दे विच दस्सो। तो वीडियो चंगी लगी शेयर कर दो, साडे चैनल कर लो सबसक्राइब, तो होर यारां मित्रां दे नाल जे चैनल करो शेयर। थैंक यू, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। तो हुण हो गया जी समां, असीं चलियां वापस। तो तुसीं देख सकते हो किन्नी हाइट दे उपर बनया होया गुरद्वारा साहब, तो हुण असीं थले डाउन हो रहे हैंगे, फिर अगे जाके रोड के उपर जो चढ़ांगे अप होवांगे। तो चारे पासे छोटिया छोटिया पहाड़ी एरिया है,
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ